बिजली की कटौती को लेकर आम जनता में आक्रोश। उपखंड सिंहदरी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा मंडल सिंहदरी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल पाइला कला के संयुक्त तत्वाधान में बिजली की कटौती, पानी की समस्या से ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई प्रभावित होने से कार्यकर्ताओं के साथ सहायक अभियंता कार्यालय के आगे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सिंहदरी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पुखराज सोनी ने बताया कि बिजली कटौती एवं पेयजल समस्या को लेकर जनता बहुत परेशान हो चुकी है। हमारे विधानसभा से धनवा, नाकोड़ा, खारा महेचान, मीठा, धाखा, अरियाणीली, चाड़ो की ढाणी, डंडाली आदि कई स्थानों से भाजपा कार्यकर्ताओं व किसान कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान पुखराज सोनी, अमराराम प्रजापत, मंडल महामंत्री पवन लक्षकार, भरत कुमार गर्ग, अमर सिंह राजपुरोहित, गौतम सिंह राजपुरोहित, गोविंद जिनगर, नवला राम देवासी, राणा राम शुथार एवं अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिंहदरी से भरत कुमार गर्ग की ये विशेष रिपोर्ट। दिव्यांग जगत। हमारे पवन जी, आज सिंहदरी उपखंड मुख्यालय पर विगत कई दिनों से राजस्थान के अंदर जो बिजली की अघोषित कटौतियां चल रही है वो अनैतिक है। विशेष रूप से गर्मियों के इस दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यहाँ के किसान वर्ग के लोगों में और जनता में काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है इन सभी ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए। और आज एक साथ पूरे राजस्थान में उपखंड मुख्यालय पर GSS का घेराव हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिए गए, जिसके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रकार की जो इस गर्मी के मौसम पर ऐसी जो आप जुल्म ढाने का जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य बिल्कुल अनैतिक है। राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ को किसी न किसी तरीके से जनता को आप एक खुशी का माहौल बनावें, ऐसा वातावरण आप तैयार करें। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सभी संकेतात्मक रूप से आज के इस कार्यक्रम को सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मंडल सिंहदरी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारी एक ही मांग है, जो ये बिजली का जो संकट है, किसी ना किसी तरीके से राजस्थान सरकार इस पर अपनी कार्यशैली है वो सटीक दिखाए और जनता को राहत दें। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अघोषित बिजली कटौती एवं बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध स्वरूप पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर स्थानीय GSS का घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया और उनके विरुद्ध स्थानीय उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। पूरे राजस्थान में प्रदेश नेतृत्व के अनुसार जो कार्यक्रम हुआ उसमें आज सिंहदरी मंडल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल पायला कला के सभी सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को आज किया। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्थानीय उपखंड अधिकारी जी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। इस गर्मी के मौसम में भयंकर लाइट की कटौती चल रही है, ऊपर से बिजली की दरें बढ़ाई गई है। भाजपा राजस्थान के निर्देश के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम हल्ला बोल के तहत कार्यक्रम किया और यहाँ स्थानीय उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देकर इस कटौती को दुरुस्त करवाने की मांग की।